ये क्या है? सीमेंट है साहब। ये सीमेंट है? इसमें तो सिर्फ रेत ही रहते। सक्सेना साहब के यहाँ से हमेशा यही सीमेंट आता है। अच्छा, काम बंद करो और इसी वक्त ये सीमेंट वापस करो। मगर सक्सेना साहब, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ भैया। अरे इंजीनियर साहब, आइए आइए आइए, प्लीज आइए। यहाँ आकर आपने हमारा दिल खुश कर दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ यह कहने के लिए आया हूँ कि आज के बाद हमारी कंपनी में तुम्हारा सीमेंट नहीं आएगा। सरकार कुछ नाराज नजर आते हैं। आइए ना, ठंडे हो जाइए और जिंदगी का मजा लूटिए। आइए आइए, सब कुछ अपना ही है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। साहब, वहीं खड़े रहकर वक्त बर्बाद मत कीजिए। आइए, मुझे घर जाना है। अपने नंगे जिस्म को और नंगा मत करो। कपड़े पहनो और दफा हो जाओ यहाँ से। पूछा? तुम इस तरह? तुम तो शरीफ लड़की थी, अचानक वक्त ने तुम्हें इतना गिरा दिया। और तुम्हारी तो शादी भी, कभी सोचा इस सच्चाई के बारे में? जब तुम्हारे पति को पता चलेगा तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा अनिकेत, क्योंकि मेरे पति ने मुझे यहां खुद भेजा है। उन्हें किसी भी कीमत पर सक्सेना साहब से ये टेंडर चाहिए था, और मैं यहां इस टेंडर की कीमत चुकाने आई हूं। ये पहला टेंडर नहीं है, ऐसे बहुत से टेंडर मैंने अपने पति को दिलवाए हैं। मांग में सिंदूर देख रहे हो, ये मंगलसूत्र, इसे पहन के औरत पत्नी बन जाती है ना। मगर मैं एक तवायफ से भी बदतर जिंदगी जी रही हूं। अनिकेत, तुमसे एक विनती करती हूं, सुभाष से जाके सब मत कहना। नहीं कहूंगा, मगर तुम जाकर अपने पति से मेरी एक बात जरूर कहना। कहना कि जिस तरह मजहब इस्लाम में हराम है सुअर खाना, जिस तरह हिंदू धर्म में पाप है गाय खाना, इन सबसे बड़ा गुनाह है मर्द होकर किसी औरत की जिस्म की कमाई खाना। उससे कहना मेरी ये बात। अरे इंजीनियर साहब, जनाब आप तो बहुत ही शर्मीले निकले। बहती गंगा में हाथ धोने का मौका था और वो भी आपने गवा दिया। खैर, ये कबूल कीजिए, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो। रिश्वत? रिश्वत कहकर आप इसे बदनाम मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह सुंदरी के भी 108 नाम है, जैसे पंजाब में इसे इनाम कहते हैं, लखनऊ में इसे नजराना कहते हैं, बंबई में इसे मिठाई कहते हैं, मद्रास में कभी किया नहीं। अब तमिल और तेलुगु में इसे क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता। तमिल और तेलुगु में इसे क्या कहते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मगर इतना जरूर जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की हर जबान में इसका जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये किस आदमी को इंजीनियर रख दिया है तुमने? लात मारता है और वो भी कहीं भी? अरे वो तो सक्सेना साहब थे, रिश्वत का नमक खाया है, सह गए। इनके बजाय कोई हमारा डैम होता तो टूट जाता ना। कहता है ऐसे पुल बनाओ जो हजारों साल चले। अरे पुल नहीं गिरेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट गिर जाएगी ना। सक्सेना साहब की सीमेंट वापस करवा दिया, कहता है इसमें रेत की मिलावट है, सबका सामान वापस करवा रहा है। अगर यही इंजीनियर रहा तो हम सबको कटोरा लेकर किसी सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ेगी। 10 पैसा दे दो, 10 पैसा दे दो, 10 पैसा दे दो। भीख तो हमें कोई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा इंजीनियर वहां भी पहुंच जाएगा और कहेगा ये कटोरा ठीक नहीं है, इसमें भी मिलावट है। आदर्श इसका कुछ करो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग अपना सामान भिजवाइए, काम मैं शुरू करवाता हूं। जी साहब। आदर्श साहब कह रहे काम शुरू करो।
मैंने करवाया है ये काम, मैंने, और यहाँ काम ऐसे ही होगा क्योंकि मैं यहाँ कारोबार करने बैठा हूँ, देश सेवा नहीं। बड़ा दुख हुआ तेरी ये बातें सुनकर। बाबूजी ने कितने प्यार से तेरा नाम आदर्श रखा था, ये सोचकर कि तू उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेगा, मगर तूने तूने तो अपने नाम का मतलब ही बदल दिया। हाँ बदल दिया, क्योंकि मैंने यही देखा है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है अनिकेत। जो भी देती है बुरा बनने के बाद ही देती है। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। आज तेरी नजरों में सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। सच्चाई, सच्चाई की बात मत कर अनिकेत। बाबूजी ने हमेशा सच्चाई का पाठ पढ़ाया, लेकिन क्या हुआ, दो दिन तक रास्ते पर पड़ी सड़ती रही उनकी लाश, एक आदमी नहीं मिला उस सच्चाई की अर्थी को कांधा देने के लिए, एक आदमी नहीं। तुझे एक आदमी नहीं मिला उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए, मगर मैं कैसे भूल सकता हूं कि बचपन में जब मैं भूख से बिलख रहा था, मुझे एक आदमी मिला था, बाबूजी, जिसने मुझे खाने के लिए रोटी दी, सर पर छत दी। आदर्श, मेरी जिंदगी बाबूजी का कर्ज है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा मैं। उस रास्ते पर तुझे दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा अनिकेत। सच कह रहा है तू आदर्श, एक बहुत बड़े दुख का सामना तो मुझे अभी करना पड़ेगा। तुझे छोड़कर जा रहा हूं मैं। मुझे माफ करना मां, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। तू मुझे माफ करना अनिकेत, मां के फर्ज के नाते मैं मजबूर हूं, मैं इस घर को छोड़ नहीं सकती। तेरे बाबूजी कहा करते थे अक्सर घर छोटा होने की वजह से परिवार बट जाते हैं, मगर आज देख रही हूं मेरा परिवार इसलिए बट रहा है कि घर बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन तू जा बेटे, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू जा। मैंने नहीं, उसने छोड़ा है मेरा साथ, उसने कुछ ख्याल नहीं किया, उसने दोस्ती का, बचपन के साथ का, बस बस यूं ही चला गया। क्या समझता है वो, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। ईमानदारी की बातें करता है, भूखा मरेगा। अरे जब भूख लगती है ना तो पेट ये नहीं पूछता कि ये रोटी ईमानदारी की है या बेईमानी की। विदेश से लौटने के बाद कहीं काम किया है तुमने? जी आदर्शन कंपनी में। वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से क्यों निकाल दिया गया तुम्हें? हाँ हाँ, डरो मत अनिकेत, सच सच बोलो। सच तो यही है सर कि आजकल लोग सच डर डर कर ही बोलते हैं। लेकिन मिस्टर अनिकेत, देखिए सर, मेरे डिग्री और सर्टिफिकेट आपके सामने पड़े हैं, आप देख लीजिए ना, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना मैं बाहर खड़ा हूं। ऑलराइट मिस्टर अनिकेत। थैंक यू सर। ये आदमी बड़ा बदतमीज लगता है, शायद सच्चा है इसलिए। लेकिन सर, जो आदमी उस मिनिस्टर की सिफारिश लेकर आया था उसका क्या होगा? हम सरकारी बड़ी नौकरियां अगर यूं ही रिश्तेदारी और सिफारिश के बिना पर देते रहें तो काबिल लोगों का क्या होगा? यही एक अकेला उम्मीदवार है जिसके पास ना कोई सिफारिश है ना ही कोई हवाला, लेकिन डिग्रियां सबसे ज्यादा। यह नौकरी हम अनिकेत को ही देंगे। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार शांतिपुर बांध, जिसका उद्घाटन आज सुबह हुआ था, टूट गया। बांध के टूटने से करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई। मुझे खुद अफसोस है कि मैंने डैम का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बेईमानों के हाथों में दिया जो सीमेंट के बजाय रेती
और रेती के बजाय मिट्टी से बनाया, और वो डैम पहले ही दिन गिर गया। कहा जाता है ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने से आधे पैसे आपके जेब में जाते। ये सब बकवास है, मुझे मालूम है ये सारी अफवाहें अपोजिशन ने फैलाई है। सर तो क्या ये भी अफवाह है कि आपके गांव में आधे से ज्यादा बंगले आपके या आपके रिश्तेदारों के हैं? सर क्या भी गलत है कि आज 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी के मालिक हैं आप? बकवास है ये, गलत है ये सब, झूठा इल्जाम है मुझ पर। इस शहर में मेरे नाम पर सिर्फ एक ही बंगला है। इस शहर में बंगला? दुनिया जानती है आप गरीब किसान के बेटे हैं, तो फिर इस महंगे शहर में करोड़ों का बंगला आपके पास आया कहां से? ये क्या किया तूने आदर्श? ये कैसा डैम बनाया? पहले ही दिन टूट गया, और रिबिन काटने के लिए मुझे बुलाया था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, वरना मैं तो बह गया होता तेरे उस डैम के साथ। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। इतनी बेईमानी आदर्श, इतनी बेईमानी। अरे मैं क्या कह रहा हूं सुन रहे तू? चिल्लाओ मत, सुन रहा हूं मैं। बेईमानी बेईमानी होती है, चाहे कम करो या ज्यादा, नतीजा तो एक ही होता है। जो डैम 2 साल बाद टूटने वाला था वो आज टूट गया, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है आदर्श, मुझे फर्क पड़ता है। बदनाम, बदनाम हो गया हूं मैं। हजारों लोग हजार तरह के सवाल कर रहे हैं मुझसे, क्या जवाब दूंगा मैं? आपने मुझे दौलत कमाने के लिए अपने साथ रखा था, वो मैंने किया। अब किसको क्या जवाब देना है ये सोचना आपका काम है, मेरा नहीं। हमें इस हादसे की इंक्वायरी करानी चाहिए, कमीशन बिठाना चाहिए, और इस कमीशन का चीफ रिटायर्ड जज देसाई को बनाना चाहिए। वो काफी दिनों से बेकार है। नहीं, इस बार ये जिम्मेदारी मैं उस नौजवान को सौंपना चाहता हूं जो सच्चा, काबिल और होनहार हो। अनिकेत, इस बार इस हादसे की इंक्वायरी तुम करोगे, और इस इंक्वायरी में इंस्पेक्टर सुभाष तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सर। इतनी बड़ी इंक्वायरी की जिम्मेदारी हम पर सौंपी गई और तू यहां खड़ा शराब पी रहा है? इसलिए कि ये इंक्वायरी सब दिखावा है, ठोक है। वो कह के भूल गया तू सुन के भूल जा, और अगर तेरे हाथ में सबूत लग भी गया तो भी तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। सुभाष, इस देश की मिट्टी के घर कई बार टूटे हैं, कई बार बिखर गए, मगर इस देश की मिट्टी का मर्द कभी नहीं टूटा है। तो टूट मत दोस्त, एक बार सबूत मेरे हाथ लग जाने दे, मैं कसम खाता हूं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बता दूंगा कि बुद्ध, अशोक और गांधी के इस देश में रहने वाले हम लोग अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, मगर बुजदिल नहीं। अनिकेत, तुझे आज भी अपने आप में इतना विश्वास है? तो सुन, इस हादसे के जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ सबूत कहां मिलेगा सब जानता हूं मैं। आ मेरे साथ। डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होंगे। तो याद देख, मैं याद देखता हूं। ओके। Okay.
आदर्श।